Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Today our subject is computer. Chapter number 7, all about system unit, page number 40. Now start our lesson with reading and explanation. A system unit. A system unit is the employer for all internal component of a computer. It is also called computer case. एक सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के तमाम अज्जा का अहाता है, इसे कंप्यूटर केस भी कहा जाता है. केसेस आर टिपिकली मेड ऑफ स्टील और एलुमिनियम, बट प्लास्टिक कैप आल्सो बी यूज्ड. इनकी केसिंग के बारे में अभी बात की जा रही है कि इसके जो केसिंग है, इनके जो शेप्स है, किस चीज़ के बने होते हैं. स्टील के भी होते हैं, इसमें एलुमिनियम का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इसमें क्या है, इसमें प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया जाता है. अ सिस्टम यूनिट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स टू रन कंप्यूटर स्मूथली. एक सिस्टम यूनिट में कंप्यूटर को आसानी से चलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स शामिल होते हैं. सिस्टम यूनिट सीडी और डीवीडी ड्राइव. सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी ड्राइव डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑन एंड ऑफ बटन, यूएसबी पोर्ट्स. ये सिस्टम यूनिट के, ये कंप्यूटर के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं. इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में है. अगर हम सिस्टम यूनिट की डेफिनेशन की तरफ आए, तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम यूनिट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का एक ऐसा मजमूआ होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी काम कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. डेस्कटॉप केसिंग सिस्टम यूनिट, टावर केसिंग सिस्टम यूनिट. इसके टू शेप्स हैं, हॉरिजॉन्टल शेप एंड वर्टिकल शेप. इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम यूनिट. देयर आर सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम यूनिट विच हेल्प्स टू प्रोसेस ऑल द एक्टिविटीज इंस्ट्रक्टेड बाय अ यूज़र. कंप्यूटर के अंदर यानी कि सिस्टम यूनिट के कुछ अंदरूनी पार्ट्स हैं, कुछ अंदरूनी हिस्से हैं जो आपके तमाम सरगर्मियों को प्रोसेस करने में उसकी मदद कर सकते हैं. आपकी आपको कोई भी सिस्टम यूनिट के अंदर कोई भी काम है, आपकी मदद के लिए मुख्तलिफ इसके पार्ट्स हैं. जैसे कि इसके इंटरनल पार्ट्स में मदरबोर्ड शामिल है, सीपीयू है, स्टोरेज डिवाइस है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीडी और डीवीडी. जो आज का हमारा टॉपिक है मदरबोर्ड. अ मदरबोर्ड इज़ द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर. इट इज़ द कंप्यूटर सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन कनेक्टिविटी पॉइंट. मदरबोर्ड. मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड भी कहते हैं. कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस ऐड की जाती हैं वो सब मदरबोर्ड के साथ ही अटैच्ड होती हैं. मदरबोर्ड कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करती है. कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इनका आपस में जो रابطہ है वो मदरबोर्ड की वजह से ही होता है. इसी वजह से मदरबोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स ऐड होते हैं. आप इस पिक्चर को भी आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के साथ ही अटैच्ड हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू. सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. कंप्यूटर के साथ हम जो भी डिवाइस अटैच्ड करनी होती है, हमें वो दरअसल मदरबोर्ड के साथ ही अटैच करते हैं. मदरबोर्ड के साथ जो आपका मेन कंपोनेंट ऐड है वो है सीपीयू, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये वो कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड के साथ अटैच है. इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, मीन्स ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो सब सीपीयू यानी कि कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बदौलत ही होते हैं. कंप्यूटर का तमाम जो कंट्रोल है वो सीपीयू की वजह से है. सीपीयू के जिस तरह के सीपीयू का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरह इसके और भी नेम हैं. मेन प्रोसेस भी इसको कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेस भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है.